सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 9 तारीख और हम निकले हैं घूमने के लिए, आगरा को एक्सप्लोर करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं, हम जाएंगे ताजमहल, लाल किला और यहाँ पे एक दो फेमस जगह हैं वो जाएंगे और यहाँ का थोड़ा स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। तो जैसा भी होएगा और जो जो मैं करूँगा, ट्राई करूँगा वगैरह वगैरह, तो मैं आपको वो सब दिखाऊँगा। और अभी हम क्या ऑटो में, मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की ऑटो से करी है, मैं करना भूल गया था। और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं तो हम निकले हैं, तो चलो चलते हैं। और जैसा भी होएगा मैं आपको धीरे धीरे अपडेट करता रहूंगा, तब तक के लिए शॉर्ट एंजॉय करो। पेट्रोल और डीजल, हमारी किस्मत के लौड़े तो कभी जाते ही नहीं है। अब हम ताजमहल घूमने आए थे पर यहाँ पे RT-PCR होना ज़रूरी है क्योंकि हम राजस्थान से आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अभी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए टूरिज्म पे वो RT-PCR होना ज़रूरी है उनके पास, तभी अंदर जाने दे सकते हैं। मैंने बोला डबल वैक्सीनेशन है, जाने दो, बट उनने जाने नहीं दिया। मैंने एक दो बार और बोला, फिर उन्हें अपनी भाषा में समझाया, चला जा भोसड़ी के वजह मारूँगा। तो मैं भी चला गया और मैं में थोड़ी इज्जत शर्म थी, उसे भी बेच के मैं गया। मैंने बोला एक बार और कर दो, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं हमारे बीच में। वाह, चलो चलते हैं, यहाँ पे आसपास है कोई जगह वो देखते हैं और वही दिखाते हैं। अब यहाँ तो आ नहीं सकते, इतना दूर आए, कहीं ना कहीं तो जाएंगी। चलो तो हम आ गए मेहताब बाग, ये है ताजमहल के जस्ट पीछे। तो कहीं तो आना ही था, अगर ताजमहल नहीं जा सकते तो क्या करते, इतना दूर आए हैं तो कहीं तो जाएंगे ही। तो हम यहाँ से आ गए हैं ताजमहल के बैक साइड में, हम आपको यहाँ से व्यू दिखाएंगे। और यहाँ पे भी टिकट है वैसे आने की, 25 रुपये लगती है यहाँ पे टिकट आने की, पर यहाँ पे अभी कोई था नहीं तो ब्लैक में मिली। 30 रुपये लगते हैं उसके भी, जनरली आप यहाँ पे आके देख सकते हो, वो उनके ऊपर हिसाब से होता है मूड पे कितने में देंगे। तो हम यहाँ से आपको शॉर्ट्स देते हैं और मेहताब बाग से हम आपको ताजमहल का व्यू दिखाते हैं, बहुत प्यारा आ रहा है। दिखाते वहाँ का व्यू, हम बस पहुँचने वाले हैं वहाँ पे, हम आपको पूरा बैक साइड ताजमहल का व्यू दिखाएंगे। हम वहाँ नहीं जा सके तो क्या करते हैं, यहाँ तो आना ही था। चलो दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये ताजमहल के एकदम बैक साइड वाला व्यू है। ये हम मेहताब बाग से देख रहे हैं, ये ताजमहल से थोड़ा सा ही दूर है, हम वहाँ से अभी आए हैं क्योंकि हमें देखना था। हमें अफसोस तो हो रहा है थोड़ा क्योंकि हम इस खूबसूरत सी चीज़ को नहीं देख पाए अंदर से। वैसे मैं आया हुआ हूँ बट मैं तब व्लॉगिंग नहीं करता था इसलिए आपको नहीं दिखा पाया, बाकी बहुत सुंदर दिख रहा है यहाँ से भी व्यू। चलो यहाँ का तो हो गया मेहताब बाग और यहाँ का टाइम भी पूरा हो गया, तो गार्ड बाग आ गए कि उन्होंने बोला चलो चलो, तो हम भी निकल गए। अब देख तो अभी हम कमला नगर आ चुके हैं, ये यहाँ का आगरा का फूड एरिया है, मतलब यहाँ स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे पनीर टिक्का, रैप, छोले कुलचे, चाट वगैरह, मतलब सब मिल जाता है। तो हम यहाँ पे छोले कुलचे ट्राई करेंगे क्योंकि चाइनीज़ वगैरह ये सब तो अपन वहीं खाते रहते हैं, यहाँ के फेमस हैं, तो हम यही ट्राई करेंगे। चलो चलते कोई अच्छे ढेले पे और आपको भी दिखाते हैं। मतलब भैया के छोले कुलचे में वही दम था जो सुना था, मतलब कमला नगर की ये फेमस छोले कुलचे वाले हैं। भैया क्या नाम पूछ लूँगा शॉप का, मैं आपको बता दूंगा अगर कभी बाई चांस आओ तो यहाँ का ट्राई करना छोले कुलचे। ऐसे तो
चलो अभी हम मतलब और कुछ ट्राई करते हैं तो वो दिखाएंगे। अभी मैं इसको फिनिश करता हूँ जल्दी से और फिर कंटिन्यू करते ब्लॉग। मैं एक प्रोफेशनल फूड ब्लॉगर नहीं हूँ इसलिए मैंने एकदम फूड रिव्यू नहीं दिया है। अगर आपको चाहिए, हाँ मतलब चलो दो चीज़ करते हैं, आपको फूड ब्लॉगिंग चाहिए मेरे से या फूड ब्लॉगिंग के ऊपर रोस्ट चाहिए, वो मुझे कमेंट करके बताना। चलो दिखाते हैं मैं आपको, यहाँ की कंगली लड़ाई हो गई, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया अंकल, बहुत बढ़िया, एक नंबर, क्या लैंग्वेज थी। सो वेलकम बैक टू द चैनल। और हम ये रात को आ रखे हैं 10 बजे और ना यहाँ पे एक नाइट क्लब है, पीछे क्या नाम है इसका मैं पढ़ गया था, तो ब्लैक एंड वाइट एज्ड 12 ईयर्स वहाँ आए हुए हैं। अंदर जाते हैं, दिखाते हैं क्या माहौल है अंदर का। चलो ये तोप का गोला अगर किसी की गांड पे पड़ जाए तो कैसा लगेगा। मैं वैसे एक इमेजिनेशन कर रहा था तो मैंने सोचा आपको बता दूं। व्लॉगिंग करना अलाउड था, अब 12 बज चुके हैं, हमें यहाँ से जाने का वो हो गया तो अब हम जाते हैं। ये व्लॉग आज का यहीं एंड होता है। चलो बाय।